वेलकम बैक वंस अगेन, माई सेल्फ प्रांशु कुमार पाठक। आशा करता हूँ आप लोग सही से होंगे। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवरअप करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्योंकि ये हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल साइंस की कुछ टॉपिक्स ICMR से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हम सोच रहे थे कि पहले आपको एक मतलब कि ओवरव्यू दे दें, ताकि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जनरली मोनोमेंट्स होते हैं और ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कैटेकोलामाइंस भी हैं। ठीक है, पेप्टाइड डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, सम गैसियस मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो भी होते हैं। तो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर मेंशन ही है। इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू दिस ऑल न्यूरो ट्रांसमीटर, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। So, for your convenience, I will just go through some important of that. So, dear friend, we will discuss about catecholamines. Catecholamines के बाद हम डोपामीन की बात करेंगे, डोपामीन के बाद गावा की बात करेंगे। ओके, सो दीज आर सम अमीनो एसिड एक्ट एज ए यू नो एलालिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, दीज ऑल आर अमीनो एसिड। And these all amino acids act as a neurotransmitters. Okay? कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, subsequent lectures में हम लोग जानेंगे। ठीक है, we will talk about serotonin and then tyrosine derivatives के बारे में बात करेंगे। ठीक है, peptide में तो मैं ज़्यादा आपके सामने कोई discuss नहीं करने वाला हूँ, मगर हाँ, these peptides act as a neurotransmitter। ठीक है, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। वैसोप्रेसीन है, वैसोप्रेसीन जो है एक हार्मोन है, एज वेल एज पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। गैसियस में नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड आप अच्छे से पढ़िएगा, इनकी बायो सिग्नलिंग पढ़िएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सिग्नलिंग और इसके रिएक्शंस। अगर आप लोग कहेंगे तो, अगर आप लोगों को कोई इंटरेस्टेड टॉपिक्स लगेगा इसमें से, तो पार्टिकुलरली आप मुझे कमेंट करेंगे, उसमें मैं आपको वीडियोज़ बना के दे दूँगा। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली होता क्या है? So before going into the deep, I just want to tell you कि from one neuron to second neuron, initially लोगों का सोच था कि जो neurotransmitters कुछ ऐसा चीज़ था नहीं पहले, पहले लोगों का था कि neuron एक दूसरे से connected होते हैं, one neuron is connected over another, so एक दूसरे से connection बना करके पूरी electrical impulse ही पूरे neuron में transfer होती है, पूरे nerve cell एक nerve cell से दूसरा nerve cell intact होते हैं, जुड़े होते हैं। But in due course of interval during research time, researchers come to know and they find out there is a synaptic cleft. Synaptic cleft means kya? Between two neurons, there is a gap. That is called synaptic cleft. So, neuron ke andar to electrical signal pass out hote hain, but from one neuron to second neuron, there is a chemical messengers. So, these chemical messengers will allow us to transfer signal from one neuron to the another one. So, neurotransmitters basically करते क्या हैं? एक neuron से दूसरे neuron में अपना information transfer कर रहे होते हैं। ठीक है? समझ में आया बात? चलिए, कोई बात नहीं। So, let's try to know about the neurotransmitter in details. So, dear guys, neurotransmitter are released from synaptic vesicle in the form of synaptic vesicle in synapses into a synaptic cleft, where they receive by a neurotransmitter receptor on the target cell. Binding of the neurotransmitter may influence the postsynaptic neuron in either in an excitation or inhibitory response. Dono responses mil sakte hain, kyunki neurotransmitter pe depend karta hai ki wo kis tarah ka neurotransmitter hai. It may can excite, it may can act as an inhibitor. So it will depolarize or repolarize vice versa and it will give a response. समझ में आई बात? चलिए, बहुत अच्छे। अब हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, तो सबसे पहले ये मैंने काट करके वही चीज़ों को फिर से रखा है सामने, ताकि आप अच्छे से देखें। हमें फोकस करना है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, हमें कैटेकोलामाइंस पे करना है, डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिन की बात हो गई। ठीक है, हिस्टामिन एक्चुअली कहाँ से डिराइव्ड है? हिस्टिडिन से, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना?
कैटेकोलामाइंस क्या होता है? डोपामिन, नॉर इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को एड्रेलिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेलिन भी कहते हैं, ठीक है। और अदर रिसेप्टर में एसिटाइल कोलिन स्टेरेज और स्टेलाइन कोलिन रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज डिग्रेड एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्टिक क्लिफ बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। म्यूरासिन रिसेप्टर फंक्शन इज मेडिएटेड बाय जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ग्लूटामेट एंड स्पार्टेट और एक्साइटरी अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने अभी बोला था कि सम आर एक्टिंग एज ए एक्साइटरी एंड सम विल एक्ट एज ए इनहिबिटरी। सो ग्लूटामेट और स्पार्टेट ये क्वेश्चंस आए हैं, इवन CSR के एग्जाम में आए हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ग्लूटामेट एंड स्पार्टेट विल एक्ट एज ए एक्साइटरी एंड गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड एज वेल, जिसे हम गाबा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एंड ग्लाइसिन आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ICMR में पूछा हुआ है। चलिए, तो एसिटाइल कोलिन सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल से आने के बाद रिएक्ट करता है और अपने से मॉलिक्यूल को बाहर करता है, और कोलिन मॉलिक्यूल अलग हो जाती है, एसिटेट मॉलिक्यूल अलग हो जाती है। जैसे ही वाटर ऐड होता है, तो वाटर ऐड होने के कारण क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होता है, और ड्यू टू हाइड्रोलिसिस कोलिन इज डिग्रेडेड। यहाँ पे स्टरेज आता है, इसीलिए हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन स्टरेज। सो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इज नथिंग, इट इज अ सेरीन प्रोटीएजेस। सो डियर, सेरीन प्रोटीएज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ कैंसर बायोलॉजी। ये कैसे है, जब हम सेरीन प्रोटीएजेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अगर सेरीन प्रोटीएजेस के बारे में आपको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि आप सेरीन प्रोटीएजेस के बारे में क्या जानते हैं। इनमें ट्राइड्स होते हैं, स्टेरीन होता है, स्पार्टिक एसिड होता है, और क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये कैसे काम करते हैं और ये कैसे हेल्पफुल हैं कैंसर बायोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम अभी ज़्यादा देर समय दे नहीं सकते, बिकॉज नाउ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओनली न्यूरोट्रांसमीटर एंड हाउ दे एक्ट। सो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज ए लिगेंड गेटेड आयन चैनल मेथड से काम करते हैं, ठीक है। लिगेंड गेटेड आयन चैनल से काम करते हैं क्या? निकोटिनिक जो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज के रिसेप्टर हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कैल्शियम आयन गेटेड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के थ्रू ये पास आउट होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना होगा तो आप हमसे पूछिएगा। एसिटाइल कोलिन स्टेरेज डिग्रेड एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्टिक क्लिफ, जो हम ऑलरेडी आपको शो कर चुके हैं, ठीक है। म्यूरासिन रिसेप्टर फंक्शन इज मेडिएटेड बाय जी प्रोटीन। आप देख सकते हैं म्यूरासिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड ग्लूटामेट स्पार्टेट और ये दोनों बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ देखिए, टू टाइप ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर और नो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर लॉक्ड इन दियर ओपन कन्फर्मेशन बाय निकोटीन ऑफ्टन फ्रॉम टोबैको प्लांट। निकोटीन इज नेम्ड फ्रॉम जी निको, ठीक है। पुसेन टोबैको फॉर दिस ये सब म्यूरासिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, दिस इज अनदर वन, आर स्टिमुलेटेड बाई म्यूरासिन ऑप्टेड फ्रॉम पॉइजनस मशरूम, ठीक है। तो दो तरह के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, एक जो है म्यूरासिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और अगर आपको मेरे से अगर कहेंगे तो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो इसमें बना करके दे दूंगा, और गैरिट एंड गैरिसन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। गाबा, गाबा कहाँ से डिफाइन होता है? गाबा कम्स फ्रॉम ग्लूटामेट। ग्लूटामेट पे क्या होता है? ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेस जैसे इस पर एक्ट करता है, तो इस एक जो COOH है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है बाहर, और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने के बाद जो ग्लूटामेट के बाद जो बन के बचता है, दैट इज नोन एज गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ओके। दिस गाबा ग्लूटामेज ट्रांसमेनेज वो क्या करता है? सक्सिनेट सेमी अल्डिहाइड के रूप में फॉर्म करता है, सक्सिनेट सेमी अल्डिहाइड डिहाइड्रोजन उसे फिर सक्सिनेट में चेंज कर देता है। अब ये सक्सिनेट कहाँ जाएगा भैया? याद करो क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा और फिर वहाँ से आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके क्रेब्स साइकिल के थ्रू आपको एनर्जी दिला देगा, देख रहे हैं। तो
और जब हम इन ऐसे डिग्रेडेशन और मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे तो आपको और मजा आएगा इन चीज़ों को समझने में। अभी बस इतना समझो कि कैसे ग्लूटामेट सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, और सक्सिनेट फिर कहाँ चला जाएगा, क्रेब साइकिल में घुस जाएगा। क्रेब साइकिल में जाएगा तो देन इट विल डू रिएक्शन देगा। ओके चलिए, अब गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और गाबा इज प्रोड्यूस बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज ए पोटेंट न्यूरो ट्रांसमीटर माइंड इट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, हिस्टामिन विच इज सिंथेसाइज बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन, ये पूछेगा कि हिस्टामिन जो है हिस्टिडीन के किस रिएक्शन से बनता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है। सेरोटोनिन कहाँ से बनता है, दिस इज ए ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। ओके, सेरोटोनिन ऐसा नहीं कि सेरीन से बना, सेरीन और सेरोटोनिन का नाम सेम है तो इसका मतलब है ना कि सेरोटोनिन डिराइव फ्रॉम सेरीन, नो, दिस इज सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ओके, सिमिलरली फंक्शन ऑफ इट्स ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये अभी अभी जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, हैलोजिनेशन, इपिनाफ्रीन, एड्रेनलिन है ना, डोपामिन, दिस ऑल आर बेसिकली इन्वॉल्व देयर। पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का रिलेशन है, इपिनाफ्रीन सेरोटोनिन का रिलेशन, अल्जाइमर डिजीज में यू विल सी लॉट ऑफ लिटरेचर आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन गूगल्स। ओके चलिए, तो इपिनेफ्रीन ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनलिन डिराइव फ्रॉम टायरोस। तो ये जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं कहाँ से बन के कौन न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है, इस पर आप अपना नोट तैयार करके रखें। देर आर लॉट ऑफ बुक इन मार्केट, यू कैन ट्राई टू सर्च देम एंड ट्राई टू नोट देम, बिकॉज दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू गाइज ड्यूरिंग योर एग्जाम। ओके, अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि इंडियन कोबरा है, करैत है, ये सब काटते हैं, तो होता क्या है और इनसे कैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है ट्यूबो कैरिन ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट, दिस इज ए एक्टिव एजेंट फॉर नेम एज बम्बू ट्यूब्स विच इज केप्ट इन साउथ अमेरिका बाई ट्राइबल हंटर। ट्राइबल हंटर इसको यूज करते थे जब कोई स्नेक, खास करके करैत है, इंडियन नाजा नाजा जो इंडियन कोबरा है वो है, अगर वो काटता था तो उसको उपयोग करते थे। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में वो बम्बू के प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, इसे एक्सट्रैक्ट निकाल के वो उसे यूज करते थे। ठीक है, नाउ एट्रोपाइन, एट्रोपाइन ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना इज ए पॉइजनस एंड डेडली नाइट सेडेड प्लांट। ओके, दिस स्पीसीज विच मीन्स ब्यूटीफुल वुमन, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन, डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ एट्रोपाइन इन ईस्ट पास्ड बाय इटालियन वुमन टू डाइल्यूट देयर। आज भी जो आप देखते हैं कि जो डॉक्टर्स जो ऑप्थमिस्ट जो यूज करते हैं पुपिल को डाइल्यूट करते हैं ताकि आपके पुपिल के अंदर देखा जाए, वो क्या करते हैं, बेसिकली दे आर यूजिंग दिस एक्सट्रैक्ट ओनली ऑब्टेन फ्रॉम बेलाडोना। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ ये जो इनहिबिटर है कैसे काम करता है, मेलाटोनिन, सेरीन, ये सारे इनहिबिटर्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर के इनहिबिटर्स हैं। और कोवेलेंट इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलीन स्टेरेज पूछता है और आपसे पूछ सकता है, मेलाटोनिन के बारे में तो पूछा हुआ है, ए एसिटाइल कोलीन स्टेरेज को क्या करता है, कोवेलेंटली जाके बाइंड करता है। कोवेलेंटली बाइंड करेगा तो क्या होगा, उसका फंक्शन ब्लॉक। चलिए ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई, चलिए सॉरी, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो पूरा हम बात नहीं करेंगे, बट आपको दिमाग में ये रखना है, सोडियम पोटेशियम पंप किसको किसको पता है हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, अगर सोडियम पोटेशियम के बारे में आपको नहीं पता होगा तो इस पे हम फिर आप लेक्चर बनाएंगे। थ्री सोडियम मॉलिक्यूल बाहर जाता है तो दो पोटासियम मॉलिक्यूल अंदर आता है, दिस इज द बेसिक फ्लक्स। सो क्या होगा, थ्री सोडियम मॉलिक्यूल इज गोइंग आउट एंड टू पोटासियम मॉलिक्यूल इज कमिंग इन, तो इन रेस्टिंग स्टेट्स व्हाट विल बी द सिचुएशन, बाहर में चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा ना, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में होगा तो बाहर कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं सोडियम के, तीन, तो तीन Na+, थ्री Na+ इज आउटसाइड द एनवायरनमेंट
and only 2 plus k plus is coming inside. So net negative charge will generate inside during resting membrane potential, and outside the environment plus charge is obtained. समझ में आया बात? तो अपने लिए क्लैप कर लो, ठीक है? चल, अब हम बात करते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर रहे हैं? ये वेसाइकल फॉर्म में जो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लिफ्ट है यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, और प्री सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो दूसरे के हैं उन पे स्ट्राइक करते हुए यहाँ पे रिसेप्टर्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होंगे इन पर, ये जो रिसेप्टर हैं जहाँ एसिटाइल कोलिन का ही बात कर लेते हैं, तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स क्या हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पे कैल्शियम आयन आएगा, कैल्शियम आयन विल लीड्स टू द ब्रस्ट ऑफ वेसाइकल। अब क्या होंगे, सोडियम आयन के, सॉरी कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा, टूटने के बाद ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे क्या होगा, आके बाइंड करेगा। अब स्थिति दूसरी हो जाएगी, अब क्या होगा, पोटासियम बाहर निकलना शुरू करेगा, सोडियम इनटेक होने लगेगा। तो इन दिस कंडीशन मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा कि नाउ द सोडियम मॉलिक्यूल इज गोइंग इनसाइड इनवर्ड, सो इट विल क्रिएट अ नेट नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द एनवायरनमेंट, और जो हाइड्रोफोबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो वहां पे होगा, इट विल क्रिएट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। सो इन दिस वे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इन द केमिकल सिग्नल, एंड देन अगेन केमिकल सिग्नल कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द वाइस वर्सा मैनर, एंड दिस रिएक्शन इज मेंटेन बाय कैल्शियम आयन गेटेड चैनल। ओके, समझ में आया? अगर आपको यहाँ पे कोई समझ में नहीं आई बात, तो मुझसे आप बाद में पूछ सकते हो, या फिर कहोगे तो मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल पे अलग से वीडियो में आपको बना करके दे दूंगे, ठीक है? लेकिन इससे क्वेश्चंस आईसीएमआर में इस बार आ सकता है। ना अब बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर की जो हम बात ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम आपको उसी चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम चीज़ों को पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को, एक होता है ना कि बुक से हम चीज़ों को कोरिलेट करें। अभी तक हम लोगों ने बस न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ए ब्ला ब्ला ब्ला, बस ए हम नाम सुन रहे थे और उसको देख रहे थे। नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू सम एविडेंसेस फॉर दीज न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स। अब डिफेक्ट इन कैटेकोलामाइन प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मेनी न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, इंक्लूड क्लिनिकल डिप्रेशन, इन्वॉल्व इज नॉन एपिनेफ्रिन NE, और पार्किंसनिज्म इन्वॉल्व डोपामिन। डोपामिन से रिलेटेड होगा तो वो क्या होगा, पार्किंसन काउज करेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डोपामिन के लेवल में कहीं भी बैलेंस खराब हुआ तो क्या होगा, आपको कौन सी डिजीज होगी, पार्किंसन। और अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, इसका मतलब आपके अंदर नॉर इपिनेफ्रीन का जो लेवल है कहीं गड़बड़ है, ठीक है? वंस दिज न्यूरो ट्रांसमीटर है बाउंड टू एन इलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दे मस्ट बी इफिशेंटली क्लियर फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लिफ। अगर सिनेप्टिक क्लिफ में बचा रहा, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऑन द अदर हैंड कैटाकोलामाइन न्यूरो ट्रांसमीटर कैन बी मेटाबोलाइज एंड इनएक्टिवेटेड बाई टू इंजन, वन कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इन सिनेप्टिक क्लिफ, एंड सेकेंड वन इज मोनोअमीन ऑक्सीडेज। क्योंकि मैंने बोला कि बेसिकली मेजर केस में जो न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, दे आर अमीन डेरेवेटिव्स, अमीनो एसिड डेरेवेटिव्स। ओके, तो कैटाकोलामाइंस ट्रांसपोर्टेड बैक इन टू द प्री सेनेप्टिक न्यूरोन आर एकुमुलेटेड इन सेनेप्टिक वेसाइकल थ्रू सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल, हाइड्रोजन ATPase और हाइड्रोजन लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म डिस्क्राइब बाय ग्लूटामेट, ठीक है? अब ये सारी चीजें जब हुआ, ये वापस वेसाइकल में नहीं जाएगा, ये जाकर के कहीं जाकर के एक वही सिनेप्टिक क्लिफ में जाके जम गया। दे आर नॉट गोइंग बैक इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, इट विल गिव ए क्लिनिकल इवेंट और स्ट्रेस। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एक्ट एज ए एंटी डिप्रेसेंट। तो जितने भी एंटी डिप्रेशन की टैबलेट होती है वो क्या होते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं। ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज हैं,
इनहिबिट करेंगे इनको, एंजाइम इनहिबिट होगा, तो वो सारे मॉलिक्यूल आपके सिनेप्टिक क्लिफ में रहेंगे, ठीक है। अनदर क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट आर ट्राई साइक्लिन सच एज डेसीप्रामीन एक्ट एज ए सेपरेट क्लास ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर री अपटेक ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेट मोर प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। प्रोजेक्ट इज मोर स्पेसिफिक री अपटेक इनहिबिटर एंड एक्ट ओनली ऑन सेरोटोनिन री अपटेक ट्रांसपोर्ट। प्रोजेक्ट एक खास करके जो क्लिनिकल मेडिसिन है जो सेरोटोनिन पे एक्ट करता है और सेरोटोनिन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है और सेरोटोनिन फिर इन्वायरमेंट में मिलेगा। दीज आर एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स, ओके। अब पार्किंसन कैसे हो? पार्किंसन इज कैरेक्टराइज बाई डिग्रेडेशन ऑफ डोपामीन डोपामेटिकली न्यूरो डोपामीन का जो न्यूरोन है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है, हट रहा है, खत्म हो रहा है, एज वेल एज कंसिक्वेंट ओवर प्रोडक्शन ऑफ रिसेप्टर। डोपामीन रिसेप्टर बढ़ रहा है, ठीक है, डोपामीन रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं और न्यूरोजेनिक जो उसका जो न्यूरॉन्स है डोपामिनर्जेनिक वो घट रहे हैं। तो भाई अब तो ऑब्वियसली रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं, वहां पे आ नहीं रहा, तो इट विल टेक काउज ए सीरियस प्रॉब्लम। और ये डोपामीन एंटागोनिस्ट सच एज ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एक तरह का मेडिसिन है जो कि हम पार्किंसन के अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, कैटाकोलामाइन न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन मेनी अदर इंटरेस्टिंग फार्माकोलॉजिकल फेनोमेना, फॉर एग्जाम्पल रेसिपियम। ये सारा चीज़ आप पढ़िए, कुकिंग कैसे कुकिंग आपको ये आपको एडिक्ट करता है ना, इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना लें। ये कुकिंग हो गया, वहाँ से भी कॉफ़ी भी क्या करता है आपको ड्रग एडिक्ट तो नहीं बनाता, बट इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको एक्टिव करते हैं और अवेकफुल बना के रखते हैं, तो आप जगते हो बहुत, ठीक है। देखिए आगे अगर आया तो मैं डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। तो ए है भैया टायरोसिन, और टायरोसिन इज द प्रिकर्सर फॉर ऑल कैटाकोलामाइन्स, ठीक है। कैटाकोलामाइन इन्हीं से बनेगा, तो टायरोसिन से बनेगा एल डोपा, एल डोपा से बनेगा डोपामिन, डोपामिन से बनेगा नॉरएडिनिन, नॉरएडिनिन से बनेगा एडेनिन। तो ए इनका बेसिकली फॉर्मेट है जो कि यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने ग्रिशम से कॉपी की है, ये बुक का ही कटिंग आपको मैंने दिया है ताकि आप आराम से बुक पढ़िए। मैं अक्सर बोलता हूँ ना, बच्चे अक्सर पूछते हैं कहाँ से पढ़े, तो गो एंड ट्राई टू फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स रैदर देन यू नो डूइंग बुलशिट। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं नोट पढ़ ले, वो नोट पढ़, नोट मत पढ़ो भैया, ट्राई टू फॉलो गुड बुक्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, आई विल जस्ट टेल यू, नो वन कैन यू नो, कोई आपको बचाने वाला नहीं, ठीक है। कैटाकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर आर डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन व्हिच यू हैव सीन, नो डाउट। इपिनेफ्रिन नॉरइपिनेफ्रिन डोपामिन आर एल डोपा डेरिवेटिव्स, ओके। ऑल दिस कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन बोथ इन सिनेप्टिक न्यूरॉन और एड्रेनल ग्लैंड, दोनों जगह सिंथेसाइज, ठीक है। दे फंक्शन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन एंड हार्मोन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो कैटाकोलामाइन है ब्रेन में तो भैया न्यूरोट्रांसमीटर और सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्मोन की तरह बिहेव करता है, तो भूलो मत कैटाकोलामाइन बिहेव बोथ एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड एज वेल एज हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिमाग में डाल लो। डोपामीन ए क्रूशियल कैटाकोलामाइन इन्वॉल्व इन सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिजीज रिस्पॉन्स। डोपामीन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, डोपामीन खर्च करोगे, डोपामीन की प्रॉब्लम से बहुत सारे सीरियस इश्यूज होते हैं। मैंने बोला था एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये सारे को कहीं ना कहीं मॉड्यूलेट करता है डोपामीन। अगर डोपामीन का लेवल जहाँ तहाँ हुआ मतलब कि उनका ही फंक्शन घूमेगा और तरह तरह की बीमारियाँ आएंगी जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो डोपामीन के साथ नो खिलवाड़, ओके। इन्वॉल्व इन सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिजीज इज सिंथेसाइज फ्रॉम एल डोपा बाय पैराडॉक्सल फॉस्फेट। अब आपको बताना है कि पैराडॉक्सल फॉस्फेट कौन सा विटामिन है, चलिए मैं ही बता दूँ, विटामिन बी सिक्स, ठीक है। विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सेवन बी नाइन बी एलेवन बी ट्वेल्व, ठीक है। इस सब का नाम आपको हमको, अगर आप रियली इस वीडियो को देख रहे हो और रियली अपने आप को कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट ये तो लिखो कि हाँ इतने विटामिन हैं, इनके ए उपयोग हैं, ए
यहाँ कोएंजाइम की तरह उपयोग हो रहे हैं, या ट्राई टू लिसन माई वर्ड्स एंड ट्राई टू कमेंट। अगर जितना आप कमेंट करोगे ना उतना मुझे मजा आएगा आपको पढ़ाने में, ठीक है। आई एम गिविंग यू नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट हाँ ट्राई टू कमेंट ऑन माई वीडियोज। मैं आपके कमेंट्स इसलिए नहीं चाहता कि आप कमेंट करो, कमेंट इसलिए करो ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर सको, नो यू आर वॉचिंग माई वीडियो बाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके। चलिए कोई बात नहीं। सो डोपा डिकार्बोक्सिलेज सब्सिक्वेंटली हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ मिथाइलेशन प्रोडक्शन बाई नॉर इपिनेफ्रिन टू इपिनेफ्रिन, और मिथाइल ग्रुप फाइनली जो यहाँ पे सप्लाइड होता है वो कहाँ से आता है, सैम मॉलिक्यूल से। सैम क्या होता है, एस एडिनोसाइल मेथियोनीन। इसका बहुत बड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है एनिमल में भी प्लांट में भी, भूल मत जाओ। सैम इज ए यूबिकिटस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बहुत उपयोगी है, ठीक है। चलिए सो इधर एक्सेसिव ब्रेन प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने डिजीज डिस्कस किया था वहां, यहां मैं क्लियर कर, एक्सेसिव ब्रेन प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन और हाइपर सेंसिटिविटी डोपामाइन रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोटिक सिम्टम ऑफ स्किजोफ्रेनिया, वेयर एज लोअर प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन एंड लॉस ऑफ डोपामाइन न्यूरॉन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पार्किंसन डिजीज। एक ही साथ देखो दो दो डिजीज क्लियर हो गए ना। देखिए डोपामिन के ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, स्किजोफ्रेनिया हो रही है, और लोअर प्रोडक्शन हो रहा है अगर डोपामिन का तो क्या हो रहा है, पार्किंसन हो रहा है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है डिजीज, कितना इंपॉर्टेंट है न्यूरोट्रांसमीटर, और कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। डोंट ट्राई टू प्ले, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एंड डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग मोर देन दैट, ओके। चलिए सो नाउ डियर फ्रेंड, नाउ वेरियस पेप्टाइड ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब है ओके। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि स्नेक वेनम में स्नेक ने आपको कट किया ना, तो कैसे क्या रिएक्शन होता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ सी एस आर में पूछा हुआ था, मैं जब एग्जाम दे रहा था तो उस समय क्वेश्चन मैंने देखा था। तो याद रखिएगा जो स्नेक वेनम है उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता। अक्सर बोलते हैं ना कि वेनम इज ए प्रोटीन, सो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं। दीज आर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल्स, ये जो आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना मेम्ब्रेन पे, उनको डिग्रेड करने लगते हैं बिकॉज दे आर डिटर्जेंट, फॉस्फोलाइपेज डिटर्जेंट होते हैं। तो ये जो वेसाइकल बनता है, जो मेम्ब्रेन बनता है, उन्हीं को डिजॉल्व करने लगता है, आपका सेल मेम्ब्रेन ही डेथ करने लगता है, इसलिए आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देती है, ठीक है। तो वेनम इज वेनम ऑफ अ पॉइजनस स्नेक कंटेन ए क्लास ऑफ एंजाइम नोन एज फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, याद कीजिएगा और पढ़िएगा इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। द एंजाइम दैट काउज ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड क्या होगा, डिग्रेड करने लगेगा बिकॉज दे आर डिटर्जेंट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल द वेनम ऑफ रैटल स्नेक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, करैत कहते हैं, ठीक है, एंड द इंडियन कोबरा नाजा नाजा, बोथ कंटेन फॉस्फोलाइपेज ए टू विच कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड एट सी टू पोजिशन ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहिए तो आप नोट कर लीजिए और ये मे भी आपको किसी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। कहते ना बच्चे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन भाई इनसाइड से पूछ रहा है, बाहर से नहीं पूछ रहा है। ध्यान से देखोगे तभी समझोगे, वरना नहीं समझोगे भैया, समझो, ठीक है। लिसोलेथसिन कैसे बनता है, एक्ट एज ए डिटर्जेंट एंड सोल द मेम्ब्रेन, और इस तरह से रेड ब्लड सेल मरने लगते हैं और आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देती है, ठीक है। चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंडोकैनबिनॉइड सिग्नलिंग सिस्टम, ए टारगेट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन थेरापेटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल सिग्नल कॉल न्यूरोट्रांसमीटर आर द फंक्शनल मोड ऑफ इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम। द क्लासिकल न्यूरोट्रांसमीटर आर स्मॉल सोल्युबल मॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड बेसिकली, ओके। हाउएवर रिसेंट रिसर्च हैज शोन दैट लिपिड आर ऑल्सो इन्वॉल्व लैक एज एज ए इंडोकैनबिनॉइड्स आर केमिकल मैसेंजर दैट ऑपरेट बाई नोवेल रेट्रोग्रेड मैकेनिज्म।
this class of chemicals signal a light originally from study and physiological effect. ठीक है, एंड अदर जो भी आप पढ़ो. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो बनता है आर्केडोनिक एसिड. ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म, शायद मैंने अभी नहीं कवर अप किया. ठीक है, जब लिपिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्केडोनिक एसिड है. तो आर्केडोनिक एसिड कैसे बनता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है और कैसे करता है, इस चीज़ पे रिलेटेड ये कंटेक्स्ट था. तो मुझे लगा कि आपको दिखाऊँ, तो आप इसको पढ़िए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरो ट्रांसमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ एडिनोसिन, एडिनोसिन इज अ मॉलिक्यूल दैट इज ए नाइट्रोजिनस बेस्ड कंपाउंड बट इट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर टू. कैफीन, अब जब सोते हो ना तो कैफीन, कॉफ़ी वगैरह पीने वाले जो भी हैं वो क्या करते हैं, अपने स्लीप साइकिल को बिगाड़ो. जब आप सो रहे होते तो एडिनोसिन लेवल क्या होता है, फॉल डाउन होता है. अब आपने ले लिया कैफीन, अब जो एडिनोसिन का लेवल है वो अप रेगुलेट होगा, डाउन रेगुलेट नहीं होगा, दे आर गोइंग अप. सो वेकफुलनेस आप में आने लगेगा, आपको जगने की आदत हो जाएगी, इट विल अगेन काउज ए सीरियस प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, इसके बारे में भी आप स्टॉप कीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए. अब हम बात करते हैं सॉल्विंग ए मेडिकल मिस्ट्री रिवलाइजिंग आवर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन. पार्किंसन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इलीगल ड्रग यूजर वेयर रिवोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज. इन 1982 सेवरल मिस्टीरियस केस ऑफ पैरालिसिस कम इन लाइट इन साउथ कैलिफोर्निया. दिस विक्टिम्स, सम ऑफ देम आर टीनेजर, वेयर फ्रोजन लाइक लिविंग स्टैचू, अनेबल टू टॉक और मूव. द केस वाज फर्स्ट इज वाज एज सून ट्रेस्ड टू बैच ऑफ सिंथेटिक हेरोइन दैट कंटेन MPTP. दिस MPTP मॉलिक्यूल आर वेरी डेंजरस, और ये ब्रेन में MPP के रूप में कन्वर्ट कर रहा था. आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम क्या है ना, कि बहुत सारे, जो मैं भी आज का ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ, बट आई विल सजेस्ट यू डोंट ट्राई टू यू नो टेक सम सीरियस ड्रग्स. आजकल बहुत सारे ड्रग्स लेने के, जो बच्चे हैं ना आजकल ड्रग के आदि हो रहे हैं, और ड्रग अब्यूज़ के कारण क्या हो रहा है कि आप भूल जा रहे हो कि आपकी फैमिली क्या है, दुनिया क्या है. अब तरह तरह के आप चीज़ें सेवन करते हो और पता नहीं हो ब्रेन में क्या कर रहा हो, और ये बहुत ही बड़ा डिजॉर्डर बन के सामने आया, क्योंकि एमोनो अमीन ऑक्सीडेज बी पर रिएक्ट किया, इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स वन. कॉम्प्लेक्स वन पे जाके एक्ट कर रहा, उसी को ब्लॉक कर दे रहा है. अभी हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन रियली आपको मजा आएगा जब हम आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे. इट्स वेरी फनी सब्जेक्ट फॉर मी बायोकेमिस्ट्री. आई लव बायोकेमिस्ट्री. नो व्हाई? बिकॉज बायोकेमिस्ट्री इज रियल मीनिंग ऑफ योर लाइफ. What is your each and every component of your life, how they are made and how you are functioning, this all depend on biochemistry. ठीक है, चलिए. It act preferentially. और ये क्या हुआ कि brain को तो क्या किया, movement, सारे brain के movement को बंद कर दिया, और इस तरीके से आपके अंदर dopamine का level इतना down regulate कर गया, इतना modulate हो गया कि Parkinson disease देखने में आया. ठीक है, समझ में आया? तो हम इतना ही आपसे कहेंगे कि आप अपना शरीर का ख्याल रखें, वो बहुत इम्पोर्टेंट. अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर एज ए हर्बिसाइड, ये जो टेक्निक है ना यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार आपको CSIR किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा. राउंडअप एक कंपनी थी जो ग्लाइफोसेट को बनाई, ग्लाइफोसाइट जो सिकमिक एसिड पाथवे से बनाया गया है इसको. ठीक है, सिकमिक एसिड का जो EPSPS पाथवे है, ठीक है, EPSPS एक एंजाइम है, इसको ग्लाइफोसेट क्या करता है, बाइंड करता है और ख़त्म. तो ये हर्बिसाइड किलर है. ठीक है, फॉस्फो आयनोथ्रेसिन जो है ये क्या करता है, ये भी एक एंजाइम है
जो ग्लिसरॉल पी डिहाइड्रेटेज है इसको क्या कहता है, ग्लूटामाइन सिंथेटेज जो है इसको फॉस्फो पीपीटी जो है उसे बंद। तो ये इस तरीके से क्या करता है कि ये सारे हर्बिसाइड डेवलप किए गए जिसे हम बहुत ज़्यादा उपयोग किए, और हर्बिसाइड के भी कई अपने इम्पैक्ट्स हैं वो भी देखने को आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तो लोग नेचुरल, हम लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा चीज़ हो जो नेचुरली नेचुरल सिस्टम में हो, है ना, नेचुरल रिलेशनशिप में प्लांट है ऑर्गेनिज्म रहे और उस तरीके से प्लांट ग्रोथ प्रमोशन हो। तो माइक्रोबायोलॉजी इज वर्किंग इन दिस फील्ड, है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत काम कर रहे हैं इस फील्ड में कि कैसे मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, ऐसे प्लांट डेवलप किए जाएं जो रेजिस्टेंट हो। ठीक है, अब है डिजीज एंड ड्यू टू प्रोटीन फोल्डिंग। इस सारे डिजीज आप कोशिश कीजिए कि राइट डाउन कीजिए, अल्जाइमर डिजीज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, कैंसर में p53 का क्या रोल है ये पढ़िए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सैम सिग्नल ट्रांजेक्शन बाई GPCRs, कैसे GPCRs किसको क्या करता है नहीं करता, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कहना था कि आप चीज़ों को पढ़ें। टू कंपोनेंट सिस्टम इन बैक्टीरिया, है ना, पढ़े होंगे टू कंपोनेंट सिस्टम, नहीं पढ़े तो पढ़िए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से स्टिमुलस हमें मिलता है, प्लांट को भी उसी वे में कई तरह के स्टिमुलस मिलते हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इंसेक्ट, हर्बीवोरस, पैथोजेंस, नीचे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर स्टेटस, मिनरल, ऑक्सीजन लेवल इन द रूट, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म एंड यू नो सम बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म इन साइड द सॉइल, ग्रेविटी इज ऑल्सो प्लेइंग ए मेजर रोल इन प्लांट्स। सो दिज ऑल स्टिमुलस, जिस तरह से हमें स्टिमुलस मिलता है, हमें इमोशनली कंट्रोल होते हैं, प्लांट में भी इमोशंस है भैया, और इनके इमोशंस के साथ जो खेलने वाले हैं, CO2 है, इथेन है, मिथेन है, लाइट है, टेम्परेचर है, दिज ऑल थिंग्स मीन्स अलॉट फॉर प्लांट। अब देखो, अब ये नहीं है, कई ऐसी सिमिलरिटीज देखी जाती हैं जो एनिमल में भी है और प्लांट में। देखिए जैसे जैस्मोनेट है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 से बिल्कुल इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है, मिलता जुलता चेहरा इसके पास भी। एनिमल में प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है, वो प्लांट के जैस्मोनेट से सिमिलर स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बोला था कि ऑक्जीन क्या है, ट्रिप्टोफान से बनता है, सेरोटोनिन भी ट्रिप्टोफान से बनता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल। अब ब्रासिनोस्टेरॉइड जो है ये प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, एस्ट्राडियोल जो है वो एनिमल में है जो कि मैच करता है, रिजेंबल करता है ब्रासिनोस्टेरॉइड से, बिकॉज दोनों का प्रिकर्सर क्या मॉलिक्यूल क्या है, आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट IPP। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो प्लांट का सिस्टम हो चाहे एनिमल का सिस्टम हो, दोनों इंपॉर्टेंटली दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? अब एक चीज को और ध्यान से देखिए, कौन मैमल में है, कौन प्लांट में है, कौन बैक्टीरिया में है, कौन क्या है, ये सारे मैसेंजर्स के बारे में जानकारी दी गई है, किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं प्रेजेंट है। जैसे आयन चैनल्स सब में, देखिए आयन चैनल्स सब में प्रेजेंट है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक आयन पंप सब में है, टू कंपोनेंट सिस्टम सब में है, एडेनाइल साइक्लेज सब में है, लेकिन गुआनाइल साइक्लेज बैक्टीरिया में नहीं है, है नहीं है क्वेश्चन। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वो भी चैलेंज है, कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर की तरह बिहेव करता है या नहीं बैक्टीरिया में भी ढूंढ, कैल्शियम चैनल है बैक्टीरिया में नहीं है, ये नोन नहीं है, कालमोड्यूलिन है ही नहीं, कालमोड्यूलिन एनिमल और प्लांट में नहीं है, तो किसमें है किसमें नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके पास एक पॉइंट हो, एक सोच हो, एक समझ हो कि कैसे बुक को पढ़ना है, कैसे चीज़ों को देखना है और कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगेन आपको ए एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर मैंने लेहलिंजर के बुक से कट करके सामने रखा है,
ताकि आप इसको भी देखें कैसे क्लोज कन्फर्मेशन से एसिटाइल कोलिन कैल्शियम से मॉलिक्यूल से बाइंड करते हुए खुलता है और कैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरोन में जा रहा है। तो कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे कन्वर्ट करता है इसके बारे में यह था। सोडियम पोटेशियम पम्प आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, और इस सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत हो आप बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरा कहने का मतलब है कि यार पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बाय, टेक केयर।